अभियान को गति मिली, विधानसभा में डॉक्टर दल्ला द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख हुआ। डॉक्टर दल्ला द्वारा सिकल सेल पर लिखी पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न आदरणीय डॉक्टर APJ कमान के कर कमलों हुआ। डॉक्टर इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर ललित शाह को। डॉक्टर ललित शाह शुरू से एक मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने MBBS और MS की शिक्षा रायपुर से प्राप्त की और MCH यूरोलॉजी की शिक्षा PGI चंडीगढ़ से की। साथ ही उन्होंने लॉ की डिग्री भी 2007 में प्राप्त की। फर्स्ट टाइम फुल क्वालिफाइड यूरोलॉजी फ्रॉम छत्तीसगढ़ कन्वीनियर लीगल सेल यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पास प्रेसिडेंट जोर यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट एथिक्स कमेटी छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल डिलीवर मोर देन 250 टॉक्स हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन डिफेंडिंग मेडिकल केसेस। बधाई शुभकामना और मंच में उपस्थित सभी विद्वजन और अतिथिगण कुछ विधायक भी हैं सभी उपस्थित देवियों सज्जनों साथियों अभी गांव से वरिष्ठ चिकित्सकों का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए उन संस्थाओं को और चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया जो इस सदी का सबसे बड़ा तस्दीक वैश्विक महामारी उसके लिए भी उनके योगदान के लिए इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया।
ध्यानचंद्र है कि आज जन्मदिन भी हम सब मना रहे हैं। डॉक्टर ध्यानचंद्र राय के बारे में परिचय यहां दिया गया, एक अच्छे चिकित्सक भी थे, अच्छे समाज सेवी थे और अच्छे प्रशासक भी थे। बंगाल के जो सूखा है, अकाल है, उस समय जो उन्होंने काम किया, आज भी लोग बंगाल में उसे याद करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने अपना जो जन्मदिन है वो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और ये चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले के लिए उन्होंने समर्पित किया और वो सब विभिन्न पदों में रहते हुए भी अपने आप को चिकित्सक कहलाना पसंद उन्होंने किया और ऐसे महापुरुष के आज जन्मदिन। साथियों, अलग अलग सदियों में अनेक प्रकार के महामारी अनेक प्रदेशों में फैला और उस समय जो स्थिति थी वो लोग उससे लड़े। हमारे हिस्से में कोरोना महामारी आया और उस महामारी से लड़ने का क्या तरीका हो सकता है। एक अनजान दुश्मन से लड़ाई करना एक कठिन चुनौती था और उस चुनौती को हमारे चिकित्सकों ने, स्टाफ नर्स ने, सबने इसे स्वीकार किया और बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जिससे अपने हाथ से जान अपने जान को हाथ से धोना पड़ा। ऐसी भी परिस्थितियां बनी कि कहां इलाज कराएं, कौन सी दवाई लें। पूरे देश में लॉकडाउन भी लगा हुआ था, आवागमन भी पूरी तरह से अवरुद्ध। ऐसे समय में सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ी गई और जितना सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से छत्तीसगढ़ में इस लड़ाई को हम लोग लड़े, दूसरा उदाहरण शायद देखने को मिले। और मैं डॉक्टर गुप्ता और हमारे अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल डॉक्टरों के सम्मान नहीं किया बल्कि उन संगठनों को भी सम्मान किया जो इस विपरीत परिस्थिति में लोगों के लिए तत्पर रहे। टाटीपंच चौक हम छत्तीसगढ़ के लोग जानते थे, लेकिन इस कोरोना काल ने पूरे इस रास्ते से गुजरने वाले, चाहे वो गुजरात से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे तेलंगाना से आए, आंध्र प्रदेश से आए, उन सबको पता था कि हम टाटीपंच चौक पहुंच
जाए तो वहां हमको खाने भी मिलेगा, हमको दवाई भी मिलेगी, नाश्ता भी मिल जाएगा, चप्पल जूते भी मिलेंगे, और हमारे अपने प्रदेश जाने के लिए हमको वाहन भी उपलब्ध होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश जाए, चाहे मध्य प्रदेश जाए, उड़ीसा जाए, चाहे झारखंड जाए, उस सीमा तक पहुंच जाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। इसलिए टाटीबन चौक वो लोग जो रास्ते से गुजरे वो सब जान गए कि टाटीबन चौक पहुंच रहा है। मतलब गुजरात से भी ट्रेलर आता था या ट्रकें आती थी, वो ये तय करके आते हमको टाटीबन चौक तक के छोड़ दो, किराए करके आते थे उधर से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से। और यहां छोड़ने के बाद वो निश्चिंत हो जाते थे कि हमको सब कुछ सब सुविधा हमको अपने प्रदेश जाने की सुविधा मिलेगी। और हम लोगों ने व्यवस्था की भी, और सब और अकेले की सरकार के बस की बात नहीं थी, इस सबके सहयोग से संभव हुआ। इस लड़ाई को हम सब जीते, लेकिन अभी चौथा राउंड और आ रहा है। हालांकि इसको ज्यादा कम मार्क बता रहे हैं, लेकिन है तो खतरा, इसके लिए भी हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। अभी अब जब कुछ हमारे स्वागत भाषण कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो कर रहे थे कुछ संवैधानिक व्यवस्था हो जाए, कुछ और हो जाए। संविधान कानून में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कितना पालन हो पाता है? और डॉक्टर से अच्छा क्या कहें उसे, मैनेजमेंट दूसरा कौन कर सकता है? कितना भी बीमार आदमी हो, हॉस्पिटल पहुंचे तो उसको लगता है कि मैं अब आधा अब बच जाऊंगा, और डॉक्टर की मुस्कुराहट कहीं देख ले तो आधी बीमारी चली जाती है। और इसलिए डॉक्टर मोटे ताजे हों तो अच्छे ही लगते हैं, दुबले पतले डॉक्टर नहीं है, खुद ही दुबला पतला, ये मेरा क्या इलाज करेगा? तो डॉक्टर थोड़ा मोटे तगड़े भी होने चाहिए, ताजा नहीं बोल